हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, एक बहुत बड़ा रन अप आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कर सकता है या थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, ठीक है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रन अप था और काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 3000 पॉइंट का रैली दिखाया है, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है और आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि डायरेक्शन एकदम क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एकदम डायरेक्शन क्लियर था, 3-4 दिन हो सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। सो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा और अगर कोई डिप मिलता है 23,000 के आसपास तो काफी अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। निफ्टी में भी सेम सेटअप है। लास्ट 2 दिन का अगर आप कैंडल देखो, डोजी कैंडल्स बना रहा है ये, क्योंकि इतना बड़ा रनअप किया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो 10,800 से लेके 12,000, यानी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का रैली किया है, वो भी हार्डली 12 दिन में। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा रनअप करने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है और थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी हो सकता है। 11,800 एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर 11,800 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो काफी अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो वो एक लास्ट रेजिस्टेंस था जो कि निफ्टी ने क्रॉस किया था और यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये इमीडिएटली सपोर्ट नहीं लेगा। मुझे लगता है यहाँ पे 2-3 दिन और यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद कहीं जाके 11,800 के आसपास एक बेस बना के वापस ऊपर जा सकता है। ये 11,800 के आसपास अगर आपको कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हो 11,800 के आसपास। वापस हमें एक फ्रेश अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 11,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, 23,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर आप मुझे CNBC आवाज खिलाड़ी नंबर 1 शो में फॉलो कर रहे हो तो आज मैंने C8 बाय दिया था। 1004 के आसपास रेट था जब मैंने बाय दिया था और 1018 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। 1070 का मैंने टारगेट दिया हुआ है इसमें। ये पोजीशन अभी भी ओपन है और बाकी का ट्रेड मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। PVR में काफी अच्छा प्रॉफिट आया है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में आज मॉर्निंग में LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल दिया था 298 में। इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा, क्योंकि 286 तक लो बनाया इसने और आपको 10-12 रुपए का इसमें काफी अच्छा इंट्राडे में प्रॉफिट आया होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस ट्रेड किया है या नहीं किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी मैंने सेल दिया था 890 के नीचे, इसमें भी आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा क्योंकि इसने 881 तक लो बनाया, इसमें भी आपको 8-10 रुपए आया होगा। आज का बेस्ट ट्रेड था ACC बाय। ACC मैंने मॉर्निंग में ही बाय दे दिया था। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखो तो मैंने क्लियरली बाय दिया था 1530 के ऊपर और ये 1565 तक जाके आया। ACC में आपको काफी अच्छा पैसा आया होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने कौन से ट्रेड में प्रॉफिट कमाया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ACC एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज 3 ट्रेड दिया था, तीनों में प्रॉफिट आया होगा। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे काफी नेगेटिव लग रहा है। एक बड़ा फॉल आया था, रिट्रेसमेंट हुआ, शूटिंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ पर फॉलो थ्रू सेलिंग कैंडल भी आया है। मुझे लगता है इसमें फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो ये भी ब्रेक हो सकता है। 194-195 का एक क्रूशियल लेवल होगा, उसके नीचे अगर जाता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन SBI का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक होगा हैवेल्स। हैवेल्स का भी स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए, क्योंकि अगर आप देखो एक बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद फॉलो थ्रू बाइंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एक बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अगर आपको याद है ये मारू बोजू कैंडल है, मैंने मारू बोजू कैंडल ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लेना मारू बोजू कैंडल का। मारू बोजू कैंडल फॉर्म होने के बाद फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आया है और ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल रही है और 700 का क्रूशियल लेवल है। 700 का क्रूशियल लेवल अगर टूटता है तो 10-15 रुपए का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में काफी अच्छा ट्रेड रहेगा शॉर्ट के लिए। सो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। लास्ट स्टॉक होगा LNT। LNT का भी मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक रेंज था और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है? ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। फॉल्स ब्रेकआउट होता है तब स्टॉक बहुत जोर से गिरता है, क्योंकि बाहर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें भी एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन LNT का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।